स्वप्निल हियर फ्रॉम एस आई पी एम. टुडेज टॉपिक इज टाइम एंड वर्क. जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू नो दैट मैं कैसी पैडागॉजी फॉलो करता हूँ. दैट मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा और इन डेप्थ जो एग्जामिनेशन लेवल तक रिक्वायर्ड होता है वहाँ तक पढ़ाऊँगा. तो दैट्स वाई आई पर्सनली बिलीव दैट कि मैं 20 मिनट्स में एक पूरा चैप्टर नहीं कवर कर पाऊँगा. तो देर विल बी अराउंड 7 to 8 मोर लेक्चर्स आफ्टर दिस वन. दिस इज गोइंग टू बी वेरी बेसिक चैप्टर. दिस विल जस्ट क्रिएट योर बेस, जस्ट विल इम्बाइब वेरी बेसिक नॉलेज अबाउट टाइम एंड वर्क. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर एंड मेक श्योर दैट यू वॉच द कम्प्लीट सीरीज बिकॉज इट्स रियली नेसेसरी दैट यू इफ यू आर डूइंग एनी चैप्टर यू आर डूइंग एवरी पार्ट एवरी सेगमेंटल क्वेश्चन ऑफ दैट. ऑल्सो पिक अ पेन एंड पेपर वेन एवर देर विल बी अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. ट्राई इट बाई योर सेल्फ एंड देन चेक वॉट एवर अप्रोच आई एम फॉलोइंग. सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क. विद द कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क लेट्स वर्क अराउंड फर्स्ट टाइम लाइक वर्क एंड टाइम प्रोपोर्शनैलिटी. सो वॉट आई लेट्स से आई कैन कम्प्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज. सो आई कैन बेसिकली कम्प्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज. ओके आई कैन कम्प्लीट अ सर्टन पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर वर्क. आई एम टॉकिंग अबाउट द फुल वर्क. आई एम टॉकिंग अबाउट फुल वर्क. ओके सो मैथमेटिकली हाउ डू वी रिप्रेजेंट फुल वर्क इज 1/8 ऑफ द वर्क. 1/8 ऑफ द वर्क. ओके नाउ लेट्स से आई आस्क यू दैट इफ आई गिव यू ओनली 10 डेज देन हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क यू विल बी एबल टू फिनिश. वेरी लॉजिकल वे, डोंट गो मैथमेटिकली. ओके सर आपने मुझे कोई काम दिया था पहले एंड आई वॉज हैविंग 20 डेज टू फिनिश दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क. बट सिंस आपने डेज हाफ कर दिए तो मैं तो आधा ही काम कर पाऊंगा. एज सिंपल इट कैन बी सो ओनली हाफ द वर्क विल बी फिनिश्ड इन दिस अमाउंट ऑफ टाइम लाइन. लेट्स से आई आस्क यू ओके इफ यू आर हैविंग दिस टेंडेंसी टू वर्क 20 डेज टू फिनिश माई टास्क एंड हाउ मच टाइम यू विल बी एबल टू फिनिश द 1/4 ऑफ द वर्क. 1/4 ऑफ द वर्क. आई आस्क यू दैट इन हाउ मेनी डेज यू विल बी एबल टू फिनिश 1/4 ऑफ द वर्क. Okay, sir, gradually I take 20 days to complete that certain amount of work. So as simple as it can be, I'm dividing my work into 4 segments. So 1/4 of the work will be completed in 1/4 of the days. Total days, that is 5 days. I'm writing all this in terms of a logical way. No formula yet used, okay? So I hope you are able to adapt this logical thought process. Ki haan, agar zyada time mila mujhe, तो मैं ज़्यादा काम कर पाऊँगा. जैसे जैसे टाइम जैसे जैसे काम कम है जैसे जैसे टाइम कम हो रहा है मैं वैसे वैसे काम कम कर पा रहा हूँ. लॉजिकल बात है बिल्कुल. ओके व्हाट इज़ द कंक्लूजन दैट आई कैन ड्रॉ इफ डेज आर इंक्रीजिंग दैट डेज आर डिक्रीजिंग दैट वर्क इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. ओके दैट इज डेज इज डायरेक्टली डेज और जनरली टाइम. आई डोंट वॉन्ट यू टू हैव लाइक रट्टाफिकेशन ऑफ जस्ट रटने के लिए आपने याद रख लिया डेज. डेज इज वॉट एक्चुअली एलिमेंट टाइम राइट. क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चंस में मिनट्स होता है वो पाइप्स वाले में मिनट्स आ जाएगा आर्स आ जाएगा. तो बेसिकली दैट इज टाइम. ओके दैट टाइम ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम एंड वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क. आई जस्ट प्रूव इट. ओके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क. सो व्हाट मैथमेटिकल कंक्लूजन आई कैन ड्रॉ इज डी अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. दिस इज समथिंग फ्रॉम द पार्ट ऑफ वेरिएशन. इफ यू आर हैविंग गुड वेरिएशंस यू कैन डील विथ टाइम एंड वर्क वेरी फास्टली. Even your logical way of thinking, if you are good with variation, then you can use this chapter at your own fingers. Okay, but then again, I'll be highlighting everything. So d upon w is equals to constant. You must have seen something like this. You used to write here k d equals to kw. So I've just written here constant. Okay, what does this mean? That d1 upon w1 is equals to d2 upon w2 is equals to d3 upon w3. Right or wrong? Okay, that is. ये चीज़ कहाँ से कंक्लूड किया मैंने यहाँ से d upon w is equals to constant. और ये चीज़ आपको दिखना चाहिए. अच्छा आई कैन प्रूव दिस सेगमेंट इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ बिकॉज ये मैंने केस पहले लिया है बाद में आपको फॉर्मूला बताया है. तो क्यों ना पहले केस से देखते हैं कि क्या ऐसा ट्रू है. हाँ लेट्स टेक द रेशियो ऑफ डेज एंड वर्क. यहाँ पे डेज कितने हैं 20 और वर्क कितना किया था मैंने 1. हम मैथ्स में 1/8 ऑफ द वर्क मतलब 1 विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज 1. 1/2 ऑफ द वर्क बाय हाफ. 1/4 of the work that is 1/4. Just 1/4 that will be representing 1/4 of the work. Okay. So 20 upon 1. Okay. Then we have days is equals to 10 and then we have done half the work. Okay. Then we have 5 days and we have done 1/4 of the work.
Do you observe something? If this 2 will go in numerator, this small calculation, and we get that all these 3 are equal. And that's what just I wrote here. D1 upon W1, D2 upon W2, D3 upon W3. That is days upon work, days upon work, days upon work. In ratio equal hota hai. But this is correct. No harm in approaching towards this way. But I recommend you to go like whatever will be the days ka ratio. If days ratio is A to B, then work ka ratio will also be A to B. From where I am getting this conclusion is, aapko dikhna chahiye D1 upon D2 is equals to W1 upon W2, D2 upon D3 is equals to W2 upon W3. Maine bas cross multiply kar diya, change kar diya, right? Aur ye cheez to aapko variation se aani chahiye. So days ka ratio agar A to B hai, to work ka ratio bhi A to B hoga. Very easy. Okay, let's check it. Maine case pehle banaya tha na. तो अच्छा आप बोल रहे हो सर कि डेज का रेशो निकालते हो फिर वर्क का रेशो निकालते हो और देखते हैं क्या सही है क्या सेम आ रहा है क्या. लेट्स चेक. फर्स्ट फाइंड द रेशो ऑफ डेज. इफ आई फाइंड द रेशो ऑफ डेज दैट इज 20:10:5. आई एम गेटिंग रेशो एज 4:2:1. ओह ग्रेट. लेट्स फाइंड द रेशो ऑफ वर्क. आई विल फाइंड इट हियर इटसेल्फ. रेशो ऑफ वर्क इज इक्वल्स टू 1:1/2:1/4. How to deal with fractional ratios? Multiply with the LCM of denominators. 2 and 4 ka LCM ho jayega 4. If I multiply this whole equation by 4, this will be 1:4, 4. 1/2:4 will be 2 and 1/4:4 will be 1. Oh, something interesting came. 4:2:1, 4:2:1. The ratio of days and work are equal. The ratio of days and work are equal. So I would recommend to go like this. Even if you are able to interpret whatever I just wrote, I'll be able to give you more applications through questions. So let's start with some questions. Let's say, okay, I'll be just taking some common examples. Okay, very basic. Through a basic understanding develop karne ke liye. Let's say A does 2/3 of the work. Let's say 2/3 of the work. In 8 days, 2/3 of the work in 8 days. Okay, in how many days 3/4 of the work he will do? In how many days 3/4 of the work we will do? Sir, अभी आपने थोड़ा बहुत जो पढ़ाया था उसी से अप्रोच करते हैं. क्या बताया था सबसे पहला कि D1 upon W1 is equals to D2 upon W2. Okay, why does that happen? क्योंकि इनका रेशो सेम होता है ना. Okay, तो what I just wrote 8/2/3 is equals to number of days. I'm not writing any variable. I always try to write less variable as possible. तो यहाँ पे कोई value आएगी upon 3/4. Okay, जो भी कुछ value आएगा यहाँ पे. Okay, अब आप थोड़ा सा mathematical way है इसका deal करने का तो आपको तरीका पता ही है. ठीक है, ये हो जाएगा वो जो भी number है into 4/2, right or wrong? Okay, I'll get 4 in the denominator, 2 in the ये 3 है ना. 3 in the numerator, this will be 8:3:3/4:2. 4:2 hota hai 8. 4:2 hota hai 8. 8 se 8 cancel and we'll be getting 9. So the question mark fills out to be 9 days. Again, what I did is completely correct, but then again we are going too much, like solving very small thing in too many steps. This is not recommended, but to adapt this logically is more important. 2/3 of the work in 8 days, 3/4 of the work in 9 days. So how about I get the ratio of work? क्योंकि since दोनों work दिया हुआ है मुझे, अगर days दिए हुए थे दोनों तो मैं days का ratio निकालता और उससे work का दूसरा part निकाल लेता. But since work दिया हुआ था तो क्यों ना work का ratio निकाला जाए. Work कितना दिया हुआ है मुझे, अगर मैं find करता हूँ work, work का ratio है 2/3:3/4. Okay. If again fractional वाला आता है तो LCM से multiply करो. इसका LCM होगा 12. If I multiply 2/3 with 12, 3 and 12 will cancel and we'll be left with 4. 4:2 will be 8:2. और इसमें यहाँ पे क्या बचेगा, एक 3 बचेगा, 3:3, 9. So work का ratio 8:9 आया, तो मेरा days का ratio भी 8:9 ही होना चाहिए. तो मेरा multiplier, अगर मैं देखता हूँ तो मेरा first वाले work के number of days 8 दिए हुए हैं, तो इसके number of days since multiplier is of 1, तो यहाँ पे भी multiplier 1 होगा है ना, हमारा answer 9 days ही आएगा. ये ज़्यादा बेटर क्यों है? अच्छा, अभी आपको ये ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा क्योंकि वैल्यूज़ छोटी है, बट जब वैल्यूज़ बड़ी होती है तो दिस इज़ मच मोर लाइक कोहेसिव एक्यूरेट इन टर्म्स ऑफ दिस. ओके, बट देन अगेन, क्या डू यू इवन नीड पेन एंड पेपर फॉर सच अ क्वेश्चन? नो. इफ़ यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन लॉजिकली, ओके, सो बेसिकली आई एम हैविंग अ सर्टेन वर्क एंड आई एम फिनिशिंग 2/3 ऑफ इट इन 8 डेज. तो जस्ट डिवाइड द वर्क इन टू पार्ट्स.
4 days पे मैंने 1/3 1/3 वर्क किया एंड द रेस्ट ऑफ द लास्ट 1/3 विल बी इन नेक्स्ट 4 days. सो इन 12 days आई एम ट्राइंग टू डू इट मैनुअल इन माई हेड. इन 12 days आई कंप्लीट द एंटायर वर्क. ओके, इफ यू से दैट आई विल बी कंप्लीटिंग द एंटायर वर्क इन 12 days, देन इज ग्रेट. ओके, एंड देन इन हाउ मेनी डेज आई विल डू द 3/4 ऑफ द वर्क. ओके, जस्ट डिवाइड इन टू 3 parts. 4, 3, 3, 3, 3. सो इन 9 days, दैट इज फर्स्ट 3 parts ऑफ द 4 division विल बी 9. आई विल गेट 9 days. अगेन, इफ यू डोंट गेट वॉट आई जस्ट सेड, यू कैन गो द मैथमेटिकल वे, दैट्स ऑलवेज कोर्सिव. ओके, दिस वॉज टू मेक यू अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक प्रपोर्शनैलिटी बिटवीन टाइम एंड वर्क. बट आर मोटिव विल नेवर बी डूइंग क्वेश्चन लाइक दिस, बस टू अंडरस्टैंड यू, मेक यू रियलाइज दैट एज सुन एज द टाइम डेज इंक्रीज, टाइम्स इंक्रीजेज, डेज इंक्रीजेज. ओके, वट जनरली वी विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, विल हमें जनरली क्वेश्चन में क्या दिया होगा, दैट लेट्स से इन 15 days I finish 1/8 of the work, one work or 1/8 लिख दो यहाँ पे, बात एक ही है, 1/8 of the work. So in one day how much amount of work I'll be doing? Okay sir, आपने पहले कुछ बताया था कि अगर days का ratio 15:1 है तो इसका ratio भी 15:1 होना चाहिए. Okay, पहले mathematical way में जाते हैं. अगर days का ratio 15:1 है तो work का ratio भी 15:1 होना चाहिए. अगर मुझे one day आया, यहाँ पे one work आया है, तो ये कितना हो जाएगा 1/15, क्योंकि मुझे 15 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आए, तो फिर 1/15, तो ये भी 1/15 हो गया. नहीं समझ आया तो ऐसे आपने इस चीज़ को याद किया है तो आप अभी भी इसको याद रख सकते हैं. देर इज नो हार्म इन इट दैट इफ यू आर फिनिशिंग एन एंटायर वर्क इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज, वन डे वर्क विल बी रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर, दैट इज वन डे वर्क विल बी 1/15. सो लेट्स से 3/8 of the work you do in one day. Now I have given you one day work. Last time I gave you the number of days to complete one work. Now, okay, reciprocal still works. Okay, then 1/8 of the work I'll be doing it reciprocal of 3/8. That is 8/3. 8/3 days. No harm in it. Okay, let's say I am given that in 17 days I finish a certain work. In 17 days I finish a certain work. So in one day how much work I'll be given? Okay sir, अभी आपने सिखाया reciprocal. Be linear with it. आपको reasoning मैंने समझा दिया है तो आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि ratio की वजह से ऐसा होता है, आपको दिखना चाहिए. Okay, तो हमारा work होगा 1/17. और logically भी देखिए ना, आप ऐसे imagine करिए कि आप 4 days में कोई पूरा काम ख़त्म करते हैं, तो आप एक दिन में कितना पार्ट ऑफ वर्क कर लेते होंगे? सर 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, और ऐसे करके पूरा काम खत्म हो जाता है. तो दैट्स वाई वी आर गेटिंग अ reciprocal. Pretty easy and take it very linearly. Don't overthink anything. अभी मैं आप जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको पैरेलल अप्रोचेस सिखाऊंगा, जिसमें आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो ना हो बट आप क्वेश्चंस काफ़ी आसानी से कर लेंगे. बट हमेशा जनरल अप्रोच हमारा सीखना इंपॉर्टेंट होता है. फर्स्ट पार्ट ऑफ द टाइम एंड वर्क एंड्स हियर एंड द नेक्स्ट लेक्चर यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन वेर वी विल बी स्टार्टिंग विद सॉल्विंग सर्टन क्वेश्चंस. As I have mentioned, then these questions will be containing parallel approaches that I aim to imbibe inside you, so that you can also solve all these time and work questions in a timeline of 20 or 30 seconds. The same time, you can subscribe to our channel. So, and if you like the video, do support us by liking the video as well. And moreover, if you want us to be your unfair advantage, you can even check our website for preparation course for IPMAT 21 or say 22. And you can check the course preparation, what all things we are ready to give you. Okay. Thank you so much.